भारतवर्ष में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर के दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का फैसला किया था। इस दिन की याद में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद भवन में 14 सितंबर 1953 को हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देते हुए इसी दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। कैसे हुआ हिंदी भाषा का जन्म? हिंदी का जन्म दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा से हुआ और संस्कृत को विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक माना जाता है। संस्कृत को आर्य भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा मानी जाती है। सामान्यता प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। हिंदी भाषा के विकास की बात करें तो हिंदी भाषा का आरंभिक काल 7वीं-8वीं शताब्दी से माना जाता है। इस काल में हिंदी में दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा आदि छंदों में रचनाएं की जाती थीं। मध्यकाल में हिंदी भाषा का विकास हुआ। इस काल में हिंदी में कविता, गद्य, नाटक आदि सभी विधाओं में रचनाएं की जाने लगी। इस काल के प्रमुख कवियों में सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीरा, जायसी रस खान, बिहारी आदि शामिल हैं। 18वीं शताब्दी के बाद हिंदी साहित्य में नई चेतना आई। इस काल में हिंदी में वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक विषयों पर रचनाएं की जाने लगी। इस काल के प्रमुख साहित्यकारों में राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरीशचंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद आदि शामिल हैं। इन सब के अलावा इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार बयोहर राजेंद्र सिम्हा का जन्मदिन भी है। श्री सिम्हा को भारत के संविधान की मूल फाइनल पांडुलिपि तैयार करने के लिए जाना जाता है। श्री सिन्हा के 50वें जन्मदिन पर उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से हिंदी को आधिकारिक राजभाषा के रूप में अपनाया गया था।